सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अ स्फीयर। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। फर्दर प्योर सब्सटेंस डिवाइड होते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर्स डिवाइड होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। ठीक, तो अब प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना होता है दैट इज़ प्योर सब्सटेंस। जो दो टाइप के या उससे ज़्यादा टाइप के प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करके बना हुआ है दैट इज़ मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते उसके कॉम्पोनेंट्स को, इजेंट इट, क्योंकि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी ऑफ द फिजिकल प्रोसेसेस। वाइल मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को हम जो हैं सेपरेट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट बाई यूजिंग डिफरेंट फिजिकल मैथड्स। प्योर सब्सटेंस का अपना एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, और मिक्सचर क्या करता है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट्स। ठीक, नाउ आया आपका टाइप्स ऑफ मिक्सचर। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था कि जो मिक्सचर है वो भी उसके दो टाइप होते हैं। फर्दर इट इज़ क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, वन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो नाउ होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें जो रेशियोज यूज़ होते हैं, जो कंपोजिशन यूज़ होता है, वो फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं, दे आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आईज। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो इतना ज़्यादा जो है उसके पार्टिकल्स मिक्स्ड होते हैं कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो स्टेबल होता है, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। जैसा कि आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने पानी में थोड़ा सा मिट्टी डाला है या पानी में थोड़ा सा सैंड डाला और आप थोड़ी देर उस पानी के ग्लास को रख दो, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे क्या है कि जो पानी जो था वो तो ऊपर आ जाता है और सैंड या मिट्टी जो है वो नीचे सेटल हो जाती है। बट इन केस ऑफ आपका होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा नहीं होता है, इन दैट केस जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। और जब सेटल डाउन नहीं होते हैं तो जो बीम ऑफ लाइट अगर हम पास करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर से, तो ऐसा नहीं है कि पाथ हमको दिखेगा, द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, इसको हम डिटेल में अब नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हम होमोजीनियस मिक्सचर के देख लेते हैं। आप लोग जो है पानी में चीनी मिलाते हो, पानी में नमक मिलाते हो, तो क्या आपको नमक के पार्टिकल्स अलग और पानी के पार्टिकल्स अलग दिखते हैं? नहीं। जब आप अच्छे से डिसॉल्व कर लेते हो उसको और फिर जब आप छन्नी से छानो, तो क्या ऐसा होता है कि जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो तो छन्नी में रह जाएँ मोटे मोटे और पानी नीचे चला जाए? ऐसा भी नहीं है, पार्टिकल्स उसके सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं होता कि आपने पानी में नमक मिला करके रखा हुआ और थोड़ी देर बाद नमक जो है नीचे सेटल हो जाए और पानी ऊपर तैरने लग जाए, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो इट मीन्स दैट मिक्सचर इज़ स्टेबल मिक्सचर। जब आप बीम ऑफ लाइट उससे जो है पास करवाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी उसमें विजिबल होगा, द पाथ जो है बीम ऑफ लाइट का, लाइट का जो बीम जो रे जा रहा है उसका पाथ हमको विजिबल नहीं होता है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, लाइक मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। अब देखें हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या आ जाएगा। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता। जितने भी इसके पार्टिकल्स होते हैं वो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर अनस्टेबल, अगर आप छोड़ दोगे तो ये नीचे सेटल होना शुरू हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज कि जो बीम ऑफ लाइट अगर आप इस मिक्सचर में से पास ऑन कराओगे तो दैट पाथ इज़ विजिबल इन द मिक्सचर। अब जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, आप सैंड और सॉल्ट को मिक्स कर दोगे, या मिक्सचर ऑफ सल्फर और आयरन फिलिंग्स को आप जो है मिक्स कर दोगे, तो वो जो है आपका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं बनेगा। उसमें आप ऑयल और वाटर को मिक्स कर दोगे तो आप देखते हो ना कि वाटर की सेपरेट लेयर हो जाती है, ऑयल की सेपरेट लेयर हो जाती है। ठीक है ना, सो नाउ सच काइंड ऑफ मिक्सचर्स विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कम्पोजिशन, विच हुज़ पार्टिकल्स आर विजिबल बाई नेकेड आई,
हुज पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्टरेशन एंड द मिक्सचर इज अनस्टेबल, दैट इज इट्स पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. ओके, तो ये तो आपको हुआ टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? सो नाउ अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. पढ़ते हैं इसको आगे. अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कॉम्पोनेंट. अब ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपने एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा. कैसा मिक्सचर? जिसका कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, ऐसा मिक्सचर होगा. और उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होंगे. मतलब वो जो दोनों सब्सटेंसेस मिक्स हुए वो दोनों कैसा मिक्सचर बना रहे हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं. जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि सॉल्यूशन ऑफ वाटर, सॉल्ट इन वाटर. आप पानी में जो है नमक मिला रहे हो, पानी में आप शुगर मिला रहे हो, ठीक है. तो दो सब्सटेंसेस यूज़ करें, पानी यूज़ किया, शुगर यूज़ किया, पानी यूज़ किया या नमक यूज़ किया. लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो वो कैसा मिक्सचर बना? होमोजीनियस मिक्सचर बना, ठीक है. अब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट. जो आपका कंपोनेंट बड़े अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट. जैसे आपने पानी में शुगर मिलाया है ना, तो पानी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और शुगर कम अमाउंट में प्रेजेंट है. तो पानी आपका क्या हो गया? पानी आपका सॉल्वेंट हो गया. और जो कंपोनेंट आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो आपका हो गया सॉल्यूट. तो शुगर आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक है. अब आपका जो है प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन की क्या हो गई कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. जब सारे के सारे इसके होमोजीनियस मिक्सचर वाले आ जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है. ट्रू सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया. अब होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स थे वो आपके नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते थे, वो सेपरेट नहीं हो पाते थे फिल्ट्रेशन से, वो सेटल डाउन नहीं होते थे, स्टेबल सॉल्यूशन था वो. और जो बीम ऑफ लाइट पास होती थी वो स्कैटर नहीं होती थी. सो पाथ ऑफ द लाइट वॉज नॉट विजिबल इन केस ऑफ द होमोजीनियस सॉल्यूशन. सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द होमोजीनियस सॉल्यूशन विल अप्लाई इन केस ऑफ द ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक. तो स्टूडेंट्स हम यहीं पर स्टॉप करेंगे आज एंड विल कंटिन्यू विद द कोलाइडल सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू वेरी मच.